नमस्ते ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं सरसों वाली फिश करी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑलराउंडर रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। यहाँ मैंने रेहू मछली लिया है। आप रेहू मछली ले या और कोई दूसरी मछली ले। तो सबसे पहले हम मछली में नमक और हल्दी मिक्स करेंगे। पहले आप मछली को धो ले, साफ कर ले। उसके बाद टीस्पून से एक चम्मच नमक ले लेंगे और एक चम्मच हल्दी ले लेंगे और इसे हाथ से इस तरह मिला देना है अच्छे से। मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं 5 पीस के अनुसार मेजरमेंट से बताऊंगी सारी चीज़ें। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम खास मसाले से बना रहे हैं फिश करी जो कि टेस्ट को और बढ़ाएगा। तो मसाले में एक प्याज लेना है, मीडियम साइज का है, और एक टमाटर मीडियम साइज का, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरह हमने काट दिया है। यहाँ 10 से 12 कली लहसुन का है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन और अदरक का पेस्ट करेंगे, ये 1 चम्मच बनेगा। और टमाटर और प्याज का हमें पेस्ट बनाना है। और यहाँ पर हमने मसाले में लिया है नमक स्वाद अनुसार, टेबल स्पून से आधा चम्मच है, और टेबल स्पून से आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ सरसों लिए, ये काली वाली सरसों है, ये टेबल स्पून से 1 चम्मच है। और इसमें जो खास चीज़ है ये पीली वाली सरसों, ये पीली वाली सरसों मछली को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगा। तो हमें इसे और काली वाली सरसों को मिक्स करके पेस्ट बनाना है, तो हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ हमने मिर्च पाउडर लिया है, ये लाल मिर्च पाउडर है इधर वाली, टीस्पून से 1 चम्मच, और टीस्पून से 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है, ये मछली का कलर अच्छा देगा। और यहाँ जीरा है टेबल स्पून से 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच टेबल स्पून से। अब हम पहले पेस्ट बना लेंगे। हमने पेस्ट बना लिया है यहाँ पर प्याज और टमाटर का, ये काली और पीली सरसों का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर भी लेंगे टीस्पून से आधा चम्मच। सबसे पहले मछली को फ्राई कर ले। मैं यहाँ मछली फ्राई करने के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पहले तेल को गर्म कर लेना है, अगर आप कच्चे तेल में मछली डालेंगे तो टूट जाएगी, तो इसीलिए तेल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लें, उसके बाद डालें एक एक करके। मैं यहाँ पर 5 मिनट के बाद इसे पलट रही हूँ। ये मछली अब दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। आप हाई और मीडियम के बीच बैलेंस बनाकर मछली को फ्राई करें। देखिए दोनों तरफ से फ्राई करते समय 50 से 60 ml तक तेल डालें। मैं यहाँ तड़के के लिए 5 फोरन इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो जीरा से तड़का लगाएं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम टमाटर और प्याज डाल देंगे। टमाटर और प्याज के पेस्ट को 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लें ताकि उसका कच्चापन चला जाए। करीब 1.5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम सरसों का पेस्ट डाल देंगे। हमने यहाँ तड़के के लिए अलग से तेल नहीं डाला है, जो मछली फ्राई किया था उसी तेल में हम बना रहे हैं। इसे भी 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हम हल्दी और नमक डाल देंगे, हल्दी टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे फिर से भूनेंगे 1 मिनट तक।
हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से डालें, आपको जितना चाहिए। मैं यहाँ 250 ml कप से 1.5 कप पानी डाली हूँ। अब इसे उबाल आने देंगे। जब मसाला को जब भुने तो मीडियम और कम के बीच बैलेंस बना के भुने। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब मछली के पीसेस हम डाल देंगे। अब पानी आप अपने अनुसार ही डालें, मैंने 1.5 कप डाला है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। और इसे एक बार चला लें, ऊपर से नीचा कर लें। बस इसे करीब 3 मिनट से लेकर 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। एक बार फिर से चला दें, करीब 3 मिनट हो गया है, अब बंद कर देंगे। कोई भी रेसिपी बनाए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर आप काट काट के देखेंगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, इसीलिए पूरा देखें वीडियो को। अगर धनिया पत्ता पसंद हो तो इसमें ज़रूर डालें। अगर आपको सरसों वाली खिचकरी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।